अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बियॉन्ड द किचन में आपका वेलकम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी चीज़ी चिकन कटलेट, इसकी रेसिपी। तो जिसके लिए हमने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। चिकन है 250 ग्राम, एक छोटी साइज़ की प्याज है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, चीज़ है, चीज़ जो है हसब ज़रूरत रहेगी, और हरा धनिया पुदीना है बारीक कटा हुआ 1-1 टेबल स्पून, नमक हसब ज़ायका है 2 अदद, हरी मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय के चम्मच है, और हरा मसाला जो कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये 1 चाय के चम्मच है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, प्याज को जो है हम सॉफ्ट होने तक सॉटे करेंगे, तेल में भूनेंगे। प्याज जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डालेंगे, भूनना है हमें इसे। साथ ही बारीक कटे हुए हरी मिर्च भी जाएगा, काली मिर्च का पाउडर, नमक भी शामिल होगा इसी में। नमक जो है हमने चिकन में भी बॉईल करने के लिए यूज़ किए थे और आलू में भी, तो मसाले में जो है हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे, नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसमें जो आलू मैश करके रखे हैं हमने वो डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे जो है हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही स्लो आंच पे भुनेंगे, इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें चिकन के श्रेड है वो डालेंगे, चिकन को जो है हमने अदरक लहसुन और नमक डाल के जो है बॉईल किया था, और उसके श्रेड निकाले इस तरह, वो सब शामिल करेंगे, उसी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को जो है हम ऑफ कर देते, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। कटलेट का मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है, हम इसमें अब हरा धनिया पुदीना डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर ले इसे भी। अब जो हम इसके कटलेट बनाएंगे, मिक्सचर जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम यहाँ पे इसकी कटलेट बनाएंगे। हमने जो है मोज़रेला चीज़ लिए है और यहाँ पे ये स्लाइस चीज़ भी लिए है, आपकी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हम जो है इसे हथेली पर इस तरह से फैला के में चीज़ रखेंगे, उसे फिर अच्छी तरह से जो है बंद कर लेना है, चीज़ जो है बाहर ना आ जाए, फ्राई करते को ना ये टूट जाएंगे, ये बात का वो ध्यान रखें। हम जो है सारे कटलेट इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे कटलेट जो है तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे
अंडे में डिप करेंगे। अंडे को हमने नमक डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके बाद ब्रेड क्रम में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम में से अच्छी तरह कोट कर लेना है। हम जो है सब इसी तरह से बना लेंगे। देखिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं ब्रेड क्रम में कोट करके, अंडा ब्रेड क्रम में। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को जो है हमने गरम कर लिया है मीडियम हीट पे। अब हम इसमें कटलेट डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमने इसे टर्न कर लिया है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इस पर। ये हो चुके हैं अच्छी तरह से, हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह जो है हम सारे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट और बहुत ही कम वक्त में बनने वाले बहुत टेस्टी कटलेट जो है तैयार है। ये देखिए अंदर से जो इस तरह से चीज़ी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।